हाय गाइज, मैं हूँ अश्वनी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि सीलिंग फैन को बिना खोले कैसे पता करें कि उसका बेयरिंग सही है या खराब हो चुका है। तो मैं आपको फैन दिखाता हूँ। पहले आप देख सकते हैं कि मैं फैन को नीचे उतार चुका हूँ सीलिंग से, और इसके जो है कि तीनों ये जो इसके पंख होते हैं इसको हटा चुका हूँ मैं, और यह मोटर और यह रॉड सिस्टम बचा हुआ है। तो जो है कि मैं आपको बताता चलता हूँ कि जैसे आपका पंखा सीलिंग में जब भी कसा होता है तो उसमें डैने यानी उसके पंखे लगे होते हैं। तो पंखे लगे होने के अपेक्षा जब हम चलाते हैं तो हमको चूं चूं की या खुरखुराहट की या कुछ खिरखिराहट की आवाज़ महसूस होती है। तो अगर ऐसा आवाज़ आपका पंखा कर रहा है तो आप उसको जो है कि सीलिंग से नीचे उतरवा के आप रिपेयरिंग के लिए भेज दें, ताकि उसके बेयरिंग में जो भी फॉल्ट एवं परेशानी हो उसको रिपेयर के तहत सही किया जा सके। अगर आपका उससे नहीं पता चल पा रहा है तो आप कभी भी पंखा साफ करने के लिए नीचे उतारें। तो जैसे मैं उतार चुका हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, मैं पंखे को नीचे उतारा हूँ साफ करने के लिए। तो इस अवस्था में हम कैसे चेक करें कि इसके बेयरिंग इसके ठीक है या नहीं ठीक है, दो जो है कि बेयरिंग। तो हमको सिंपली कुछ नहीं करना है, साफ सुथरा करने के बावजूद हमें इसको हाथ में उठा लेना है, और हाथ में उठाने के बावजूद किसी भी चक्र में हमें इसको घुमाना है। तो मान लीजिए ये है कुछ इस प्रकार से, तो आप देख सकते हैं कि ये घूम रहा है। तो इसी तरीके से घुमाना है और बहुत ही ध्यानपूर्वक इसके आवाज़ों को सुनना है कि इसमें से खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही है या चूं चूं की या कुछ घिसने की आवाज़ आ रही है। तो मैं आपको इसका आवाज़ भी सुनाता हूँ। तो ये देखिए, मैं इसको जो है कि घुमाता हूँ जोर से। ये देखिए, एक बार और घुमाता हूँ। तो इसमें कोई भी खड़खड़ाहट की आवाज़ या चूं चूं की या जो है कि कुरकुराहट की आवाज़, कोई सी भी डिफरेंट आवाज़ नहीं आ रही है। इसमें सिर्फ जो है कि बेयरिंग की घूमने की हल्की हल्की गुनगुनाहट आ रही है। तो इसकी बेयरिंग एकदम ठीक है। अगर आप भी पंखे को इस प्रकार से टेस्ट कर रहे हैं, गुनगुनाहट के सिवा अगर कुरकुराहट की आवाज़ या चूं चूं की या अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की आवाज़ आ रही है, तो आप उसको अगर स्वयं रिपेयर करने योग्य है तो आप स्वयं रिपेयर करके खोल के रिपेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको जो है कि मैकेनिक के थ्रू रिपेयरिंग करवा सकते हैं। तो अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।